यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तीन बड़ी अपडेट हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी बड़ी बातें सर्कुलेट हो रही हैं आपके डेट शीट और यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूज मीडिया पोर्टल में ऑफिशियली इन बातों को कन्फर्म किया जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में लास्ट टाइम पे चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे ऑल द एंड ऑफ मोमेंट यानी कि एकदम लास्ट स्टेज पे आके सीआईएससी या सीबीएसई क्यों आखिर एग्जामिनेशन पैटर्न में छेड़छाड़ कर रहा है। साथ ही साथ आपके डेट शीट को, जैसे कि आपको पता ही होगा डेट शीट लगभग लगभग एक महीने पहले आ जाती है एग्जामिनेशन के, तो डेट शीट को इतना सून रिलीज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे डेट शीट को बोला जा रहा है कि एनी टाइम डेट शीट रिलीज की जा सकती है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ गई जिनमें इन बातों को सर्कुलेट किया जा रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के हों चाहे सीआईएससी के हों उनकी डेट शीट में काफ़ी बड़े बदलाव हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो एग्जाम के बीच में जो गैपिंग देखने को मिलेगी इस बार वो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन से ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि एक एग्जामिनेशन को लेके आपके पास यहाँ पे अधिक समय दिया जा रहा है, दो पेपर को अटेंड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा समय दिया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे करें तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में काफ़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। बोला जा रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों की राइटिंग क्वालिटी, आपके जो नंबर आप लोग गेन करते हैं उसमें थोड़ा सा इन्हेंस हो, थोड़ा सा उस पर इम्प्रूवमेंट हो। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ से जो जो बातें सामने आई हैं पूरी बातों को वन बाय वन, एक अपडेट और आई हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे कई सारी चीज़ों में चेंजेस किए जा रहे हैं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट देखे जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे बोला जा रहा है न्यूज़ मीडिया पोर्टल में। साथ ही साथ जो काउंसिल के हेड हैं उन्होंने भी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट साझा कर दी है। यहाँ पे बोला गया है कि एक नई न्यूज़ के माध्यम से जो कि सीआईएससी की तरफ से सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियली पेजेस में सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को सेंड किए गए हैं उनमें इन बातों को बोला जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को इस फरवरी के मिड में स्टार्ट कर दिया जाएगा और जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स को चालू कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके नंबर्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट यह बताती है कि पिछले एग्जामिनेशन के कंपेरिजन में इस बार के एग्जामिनेशन अधिक टफ होंगे, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे शॉकिंग चेंज किए गए हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लॉन्ग एंसर्स हो रहे हैं उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको रिड्यूस किया जा रहा है। जी हाँ, जो लॉन्ग एंसर्स क्वेश्चन है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो लॉन्ग एंसर क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस किया जा रहा है। सारे सारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पे अधिक से अधिक कंसीडर किया जाए। अब सीआईएससी सीबीएसई सब चीज़ पे लेके क्या फैसले लेते हैं समय ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इन सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बोर्ड एग्जामिनेशन इस बार के काफ़ी डिफरेंटली होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ में ज़्यादा एडवांस, किस चीज़ में आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपको एमसीक्यू अच्छा लगता है या आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर देना अच्छा लगता है आपको, या आप नॉर्मली एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप ही देना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन का जो लेवल है जिस प्रकार से उसको यहाँ पे मूव किया जा रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक बोझ डाल दिया गया है, एक प्रेशर डाल दिया गया है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे जो हम थिंक को कंडक्ट कर रहे हैं, अब इसके ऊपर आप क्या फैसले लेते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको ही करनी है, सिलेबस आपको ही कंप्लीट करना है, स्कूल बोर्ड के ऊपर जो प्रेशर्स हैं कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से इंटरनल असेसमेंट जो आपको जनवरी में प्रोवाइड करने के बारे में बात बोली गई है कि इंटरनल असेसमेंट आपको जनवरी के मंथ में पूरा आपका जो प्रोजेक्ट मार्क्स वो सबमिट हो जाएगा और जब फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होगा तो कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट के साथ ही साथ रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। हालाँकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इस तरह की अपडेट्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से सीबीएसई सीआईएससी को यहाँ पे एक प्रकार से मर्ज किया जा रहा है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं उनके चलते यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी बड़े अपडेट भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों में कन्फर्मेशन के साथ बातें बोली गई हैं वह काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी चौंकाने वाली है। साथ ही साथ आपके जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसके तौर पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नंबर्स हैं उसको काउंट किया जाएगा। आपको मालूम था
पिछली बार यहाँ पे दो सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हुए थे, इस बार क्या है सीएससी फिर से सिंगल एग्जामिनेशन करवा रहा है, जिसके बेसिस पे नंबर की जो काउंटिंग है, जो कैलकुलेशन है, वह कहीं ना कहीं बदल रहा है, डिफरेंट हो रहा है, जिसके बेसिस पे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के चलते आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वही तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन के नंबर्स को डिफाइन किया जाएगा, जैसे कि अभी तक हाल ही में सीएससी करता आ रहा है। सर्कुलर में इन बातों को जिक्र किया गया है, इन बातों को मेंशन किया गया है कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो फरवरी के मंथ में होंगे, जैसे कि आपको मालूम है। तो यहाँ पे जनवरी को यानी कि 10 जनवरी तक आपके प्रोजेक्ट मार्क्स यानी कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट है उसको यहाँ से पूरी तरह से सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चालू होने वाले हैं यानी कि मिड टर्म एग्जाम चालू होंगे। जनवरी के महीने में आपके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट मार्क्स सबमिट कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे जब फरवरी के मंथ में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे तो उनमें आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर को लेके। साथ ही साथ ये जो नंबर्स हैं ये आपके स्कूल बोर्ड की तरफ डिफाइन करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इंटरनल असेसमेंट्स प्री बोर्ड्स पूरी तरह से स्कूल बोर्ड पर निर्भर करते हैं, मेन एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन वो काउंसिल पर डिपेंड करता है। उनके जो नंबर्स हैं आपके स्कूल बोर्ड से लिस्ट जाती है, जिसके माध्यम से आपके बोर्ड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो आपके जो प्री बोर्ड होते हैं, जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो काउंसिल को वाया लिस्ट भेज जाता है कि इतने नंबर्स को यहाँ पे ऐड करना है, तो जाके जो नंबर मेकिंग पॉलिसी है उसके तहत आपके नंबर्स को कंक्लूड किया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस प्रकार से सीएससी बोल रहा है कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के सैंपल्स को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे एमसीक्यू मोड में क्वेश्चंस को अधिक कर दिया जाएगा तो यहाँ पे आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिस प्रकार से सीएससी की बातों को कन्फर्म किया जा रहा है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो सीएससी की तरफ से इन सभी चीज़ों को लेकर एक सर्कुलेशन जो जारी हुई उनमें इन चीज़ों को साफ तौर पर कन्फर्म किया गया है, देखा जा रहा है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे चीज़ों को कंडक्ट कराना है, ऐसे बेसिस पर कंडक्ट कराना है कि जो नंबर्स हैं वो अच्छे रहें, साथ ही साथ सीबीएसई के कंपेरिजन में जो हमारा एवोल्यूशन है वह काफ़ी बेस्ट चला जाए। हाल ही में अभी परख स्कीम लॉन्च हुई थी, जैसा कि आपको मालूम है, उसमें कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर जो डिस्कशन चला था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों के चलते बोर्ड एग्जामिनेशन की जो फ्लक्चुएशन होती है नंबर्स की अलग अलग काउंसिल कमेटीज़ की, उसको कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का महत्व दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन अब होंगे उसमें प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, जो कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके यहाँ पे दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे थोड़ा लेट हो सकता है, तो मे बी ये भी नेसेसरी है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। मैं आपको बता दूँ, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप लोग अपियर होंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इस बेसिस पे क्वेश्चंस हमको देने वाले हैं।